आप जब शूट कर रहे थे आपको रियलाइज हुआ यार ये तो हुआ है मेरे साथ ऐसी क्या-क्या चीजें पिकअप हुई है सो फिल्में किस तरह बनती हैं लोगों यहाँ पे ईगोस कैसे होते हैं कन्वर्सेशंस कैसे होते हैं यहाँ का लिंगो लहजा कैसा है ज्यादा काम करते नहीं है फिल्में उनको बस ये पड़ी रहती है कि उनका टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए फिल्म में ओटीटी एंड चिल करंट के साथ तकरीबन रात के आठ बज चुके हैं सुबह से ये दोनों लगे हुए हैं बैक टू बैक चल रहा इंटरव्यूज़ लेकिन फिर भी डेडिकेशन और कमिटमेंट की मैं दाद देता हूँ बिकॉज इट्स ऑल अबाउट शो टाइम

प्रमोशंस uh, हों या आपकी फ़िल्म शूट भी कभी कभार uh, जब आप रात में शूट कर रहे हैं hmm. मुझे जनरली रात की शूटिंग्स इतनी नहीं पसंद।, हाँ, पसंद नहीं है okay. लेकिन अभी अगर रात का सीन है तो रात में शूटिंग करनी पड़ती है एंड uh. कभी कभार वो जो शिफ्ट होती है ना कि सेवन टू थ्री पाँच बजे तक चलता है और छः बजे तक चलता है uh. ऐसा भी काम किया है ऑलमोस्टली द शो मस्ट गो ऑन एंड एवरीथिंग इज फॉर द फिल्म तो आप क्या करते हैं खुद को जगाने के लिए रात भर रेड कॉफी पीता हूं जैसे ये मैं रेड बुल नहीं पीता हूं ओके कॉफी पीता हूं ओके एस्प्रेसो एस्प्रेसो does okay. the job for me लवली मायमा व्हाट अबाउट यू कहाँ कहाँ बटन पुश किए आपने आज चल रहा है आई फील अगर आपने टीवी कर लिया तो हाँ, आप कुछ भी कर सकते हो बिकॉज अच्छा। इतने एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में काम करते हो कभी कभी कुछ सिर्फ दो दिन तक कंटिन्यूसली चल रही होती है एक्टर्स अच्छा। वही होते हैं डायरेक्टर्स टेक्नीशियंस चेंज होते रहते हैं सो आई फील एक्टर्स आर मतलब वो स्विच ऑन स्विच ऑफ इवन आफ्टर द आ आवर यू आर एक्सपेक्टेड टू लाइक इमोट

फिल्म चल गई yeah. तो यही रख लिया हमने इट हैज वर्कड नाउ और हाशमी so में, so में कभी कोई गड़बड़ होता है ने, ने? नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं दैट्स द वे द स्पेलिंग इज ऑलवेज अच्छा देन व्हाट इज योर पैन कार्ड आधार कार्ड सेस आई एम फराज़ नो इट्स ई एम आर ए एन दैट इज माय नेम इट्स जस्ट फॉर स्क्रीन एडिशनल ए रखा है हमने okay.

it अच्छा बट रैगिंग होती है जैसे क्रिकेट के फील्ड में ऐसा होता है ना कि जो नया प्लेयर होता है उसको सिल पे खड़ा होना होता है तो आपके ऊपर ऐसा इन ने बोला है कि हम सीनियर हम बताएंगे क्या करना है कभी नहीं आई थिंक दैट्स द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट हिम एंड ऑल माई को एक्टर्स ऑन द शो इट्स रियली लाइक इट्स सो रिफ्रेशिंग टू सी पीपल स्पेशली यू नो इन इमरान सोर्स सो सीनियर एंड ही सो वर्स एज एन एक्टर बट नेवर इन द शो डिड ही लाइक हिज मुझे मुझे लगता है तुम्हें यही करना चाहिए आर ऑलवेज एंड अच्छा मस्ती नहीं आई थिंक ये सेट पर हमें मौका भी मिला मस्ती करने का जो भी आप मस्ती देख रहे हैं वो शायद की आपको दिख रही है because obviously when shooting and जब डिफिकल्ट सीन्स होते हैं when shooting like bunch of scenes in a day, आपका दिमाग आपके सीन के बाहर ही नहीं निकल पाता सो आई थिंक नाउ या बोलते हैं फिल्म्स में कि society, बहुत सारी कहानी वैसे आती है, अब ये फिल्मों के बारे में शो है ये तो क्या क्या चीज़ें आप जब शूट कर रहे थे आपको रियलाइज हुआ यार ये तो हुआ है मेरे साथ ऐसी क्या क्या चीज़ें पिकअप हुई है नहीं बहुत सारे चीज़ हैं जैसे हमारे डिस्कशन कुछ हैं प्रोड्यूसर्स के बीच ऐसे डिस्कशन कॉमर्स को लेकर वो जो एक टाइटल जो होता है ना किसको मिलता है ऐसे लोगों से ही मिल चुका हूँ जो ज़्यादा काम करते नहीं है में उनको बस ये पड़ी रहती है कि उनका टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए फिल्म में ऐसे भी लोगों से मैं मिल चुका हूं इतनी सारी चीजें हैं इसमें भर भर के हमने विदिज नगेट्स ऑफ हमारी खुद की एक्सपीरियंसेस हमने इसमें डाली हैं मोमेंट्स वे हमने इन द सीन कुछ चीजें ऐड की हैं बिकॉज द कैरेक्टर स्पीक अल्टीमेटली फॉर इट्स यू नो सब कैरेक्टर्स इतनी खूबसूरती से लिखे गए हैं एंड इट्स एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम एक realism में एक रियलिज्म में तरह से इसका फाउंडेशन है सो so, फिल्में किस तरह बनती हैं लोग यहाँ पे ईगोस कैसे होते हैं कॉन्वर्सेशन कैसे होते हैं यहाँ का लिंगो लहजा कैसा है बहुत सारी चीजें हैं एंड ऑफकोर्स पेरिफेरल जो हमारी इंडस्ट्री की चीजें होती है ना क्रिटिक्स और मीडिया और सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों का मिश्रण है हमारे शो में तो आपकी रियल लाइफ लाइफराज कितने इसमें आए सारे मेकअप दादा हूं, तो yeah. imagine, उनके और जो सुमित रॉय ने जो लिखा है और मिहिर और अर्चित ने डायरेक्ट किया है उनकी खुद की एक्सपीरियंसेस हैं करण की खुद की एक्सपीरियंसेस हैं इंडस्ट्री में जो एनिक हैं yeah. जो हम सब रिलेट कर पाएंगे हमें लगेगा यार ये प्रॉब्लली दिस इज एन एक्टर दैर आई नो ऑफ

Uh, uh, she's reviewing films. It's, 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 she does that so that she's close. It's not something that probably she essentially wants to do, but uh, to answer your question, I think uh, a very brief period you as a फिल्म क्रिटिक देखते हैं शो में एंड okay. uh, उसके बाद मैं नहीं क्या होता है यू you नो know, दोनों जब uh, ट्रेलर लॉन्च में थे बहुत सारे तो यही आ रहे हैं। course, सवाल था पूरी टीम से कि ये तो ठीक है नजारा अच्छा है यहाँ पे दया के पास है और द लोकेशन ग्रेट बट लड़कियों का क्या होगा क्योंकि हम तो ठीक है छोटे बाल हैं तो उनके उनका क्या होगा और वही हुआ हाफ द टाइम एवरी एंड एक्चुअली जो हम तो एक तो स्टेज पे थे वहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि वो भी उड़ने वाले हैं वहाँ से uh. जो बैठे थे ऑडियंस uh. में बट इट वॉज अ नाइस सेटिंग आई थिंक विथ बारिंग द विंड एंड ऑल आई थिंक एक माहौल वहाँ पे अच्छा था पॉजिटिव वाइब था आइट वॉज सम गुड कॉन्वर्सेशन फनी था आई थिंक दैट कॉफी विद करण सेगमेंट वॉज इंटरेस्टिंग एंड नाइस लाइवली एंड फन क्योंकि फिर द मिल हो जाता है आप किसी थिएटर में जाके लॉन्च करो ये थोड़ा सी झेल लिया हमने बट योर कॉफी विद करण वाला जो वाला सीजन था उसके रैपिड फायर वाले वीडियो तो आज भी वायरल yeah, तो. yeah. <laughs> <Yeah. laughs> सारे वायरल होते हैं आपके इस शो में हाउ मेनी वन लाइनर्स यू लाइक ये them. तो है ना वायरल होने वाला है रघुनिस कैरेक्टर uh, का जो उभर के आता है और डायलॉग राइटर ने ये सोच के लिखा है कि यू टू मेक हिम एंटरटेनिंग मैन प्लेज ऑन द फ्रंट फुट यू लव टू हेट हिम और वो ब्रैश है कुट कुट के हमने भरी है इस कैरेक्टर में और लोगों को पसंद भी आएगा बट विच इज येट वन लाइनर टिल नाव जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं तेरा नाम क्या बसंती है ऐसा कोई डायलॉग उनको KBC में दस करोड़ बार बोलने को भूलते हैं hmm. कौन सा आपका है जो इज मोस्ट रिक्वेस्टेड not for this show so, in general so, i mean there's no one yaar it's it's like the songs like there's so many dialogues in every every film uh, jannat ke dialogues hain fir once upon a time mumbai ke dialogues hain there's no one particular line no acha what is your first perception about him any movie ka character inka jo aap jab dekhe the first time you saw him matlab i set. think i think i've grown up he, he will hate, hate. this statement but i think i've grown up watching him and i think one thing that i definitely have to say about him apart from the image and how people have perceived him and all of that i always felt uh, even though when i was not a part of the industry that imran hashmi is so underrated yeah, like you I'm know yeah that's what i thought that. and yeah, yeah. i think the first thought that crossed my mind when i got to know that you know i'll be working with so i was like he's such a great actor and when i met him like when we did our first scene together मैंने देखा कि नॉट वंस डिड आई सी हिम टेक हिज सक्सेस और द फैक्ट दैट ही इज पॉपुलर द फैक्ट दट हीस्टैब्लिश आई एम एस्टैब्लिश आई डोंट हैव टू प्रूव माय सेल्फ एनी मोर ऐसा थॉट आया ही नहीं ही वाज थरू विथ इज लाइंस ही वाज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल एंड या लाइक व्हेन आई सॉ हिम परफॉर्म द वे ही डिड फॉर अ मोमेंट मैं ऐसे हो जाती थी ओके नो नो महिमा कम बैक टू बींग महिका बिकॉज इट वॉज सो मेसमराइजिंग टू जस्ट सी हिम

So many यार वो लम्हे, then there is नहरी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है uh, अजहर का गाना अजहर का गाना yeah. I, और मतलब जन्नत के हो या अवार्यपन के गाने देख like evergreen ever evergreen and they don't make songs like them anymore yeah actually yeah this they your don't your actually आपका मतलब यह was that nobody asked thing. him no so it's like my dialogues I I can't really pick and choose one thing it's like all But my all my babies oh it's it's nostalgic मैं एक्चुअली सुनता नहीं हूँ बिकॉज समथिंग समथिंगस टू मी इट जस्ट आई गो बैक टू अ अटन एर आई डोंट लाइक फीलिंग दैट वे आई हेट नो बिकॉज इट पुट्स मी इन टू दैट जोन आई डोंट लाइक इट आई लाइक टू मूव फॉरवर्ड तो वो गानों का एक जो असर मुझ पर है इट्स प्रॉब्ली द सेम थिंग दैट इज फॉर द ऑडियंस इट्स कनेक्टेड टू अ मेमरी इट्स कनेक्टेड टू अ टाइम विद पीपल इट्स लाइक थिंग्स इट्स नथिंग इज पर्मनेंट राइट इट मूव ऑन यू नो यू नॉट वर्किंग विद्यू पीपल राइट नाउ

आई एम श्योर सबकी एक विविड मेमोरी तो होती है कुछ ना कुछ योर फर्स्ट टाइम बीइंग अ स्टार स्ट्रक किसको देख के आप बोले यार मजा आ गया देखो स्टार स्ट्रक फर्स्ट टाइम आई थिंक वुड बी ऐश्वर्या राय रियल में आपने आई एक्चुअली स्टूड आउट सर अ मेकअप वैन फॉर अ गुड लाइक एन आवर आवर एंड हाफ मैंने एक्चुअली मिस्टर बंसाली की फिल्म देखी थी हम दिल दे चुके सनम एंड देन आई बिकेम एन एडी इन दैट ईयर ओनली I think I was yeah at the same time I was an assistant director. I just found her gorgeous and I just I was outside because I got I was in Filimistan okay. और वहाँ हम shooting कर रहे थे कोई film थी भूल think Raj Raj की shooting थी या कोई film की shooting चल रही थी और पता चला कि वो भी shooting कर रही थी वहाँ पे. So I wanted a glimpse of her and I I stood there outside no. the and yeah to get a glimpse of her. Up first time Starstruck. First time okay so this is back in 2013. when i just like you know i just started out with my lead television show on sapne suhane and there was a party thi i think it was a z uh, silver jubilee kind of celebration tha. and uh, i am there and I'm, i have these superstars and stars around me and it was obviously my mom and i, I was i think 13 or something and here walks in mr bachchan oh. और मुझे मैं उनको देख के आई फ्रोज एंड माई मोम नेक्स्ट टू मी चीज़ लाइक अगर जा फोटो कार गो से आई टू हिम गो एटलीस्ट गेट अ पिक्चर एंड आई रिमेंबर वो दस मिनट के लिए पार्टी में आए और मैं सुन आई वॉज लिटरली फ्रोज लाइक अज कॉडन से समथिंग गुड आई आई जस्ट कुडन गेट माई आईज ऑफ हिम एंड आई वॉज रियली लाइक यू नो ओवरवेलम बाई विथ इज़ और एंड या मतलब वो ऐसा लग रहा था कि दे वॉज अ ड्रीम इन फ्रंट ऑफ यू एंड जैसे ही वो गए आई केम बैक टू रियालिटी एंड आई वॉज लाइक Was I in the same room as him?

फुटपाथ का पोस्टर था आई थिंक आई थिंक बैनरा में ही ये बैनर पे लगा था और तभी तो आई थिंक फोन्स भी नहीं थे तो मैंने उसका कुछ कैप्चर नहीं किया था बट या इट बिकेम अ थिंक क्योंकि मैं अपने दोस्तों को भी ले चला था दैट टाइम माई गर्ल फ्रेंड वाइफ परवीन उनको भी एंड फिर हमने पूरा एक बॉम्बे टूअर अभी तो इतने बैनर्स वैसे कुछ फिल्मों के लगते हैं मीन सिर्फ चंद फिल्मों के लगते हैं बट उस टाइम इट वॉज अ बिग थिंग तो वी कावर्ड एक्चुअली हम गए परे कोलाबा हम देखना चाहते थे रात को हर बैनर और पोस्टर जो बॉम्बे में लगा है तो वहाँ से माई फ्रेंड्स का वी ड्रॉप ऑल द वे बैक नू एंड अंधेरी जू सर्कल देखने के लिए टू सी माई थिंग First international trip, do you remember? My first international trip was, and this is what my mom keeps saying. Uh, this was, I think, a lot of life when I was seven years old. I did my first advertisement, and she said also, You paid for your first uh, ticket. Wow. Pay, I, I actually earned 2500 rupees for that. I don't know ticket I mm got, -hmm. but I went to, with the family, with my mom and dad, to Tokyo, to Japan, oh, with them. Lovely. I don't know if I actually paid, but she used to make me feel happy that she, you earned money for that one ad, and then we uh -huh. took you to Tokyo.

आप करती है, हाँ, मतलब नहीं, मुझे लगा, स्टार लोग नहीं करते होंगे यार मेरे लिए थोड़ा ऐसा लगता है अच्छा कर रहे हैं इन लोग उसके बाद फर्स्ट थिंग जो आप करने वाली ये तो करना है

पहला एपिसोड एंड आई जस्ट फिनिश्ड फोर एपिसोड्स लवली एथ मार्च को रिलीज हो रहा है जाते-जाते सर आपका बर्थडे भी आएगा उसके बाद 24 मार्च 24 मार्च को जनरली आप क्या करते हैं हम आपके बर्थडे के दिन ये चलाना चाहेंगे मैं जनरली अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट करता हूं तो वो एक चीज होगी या अगर मैं शायद इस बार मैं शूट कर रहा हूं कुछ डेफिनेटली मींस फिक्स्ड नहीं है अगर ये दो चीजें नहीं कर रहा हूं तो मैं